हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू परमल की सब्जी, जो कि सावन के महीने में बिना प्याज लहसुन के भी आप बना सकते हैं। अगर आप सब्जी बनाएं तो प्याज और लहसुन स्किप कर सकते हैं, बाकी हरी मिर्च, अदरक और टमाटर के साथ इसको बना सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं बिना प्याज लहसुन के, तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। ठीक है, तो ये ले लिए 250 ग्राम परवल, जो मैंने अच्छे से साफ करके धुल लिए हैं। इसको उसका छिलका हल्का हल्का जो ऊपर स्किन होती है, पतली सी, वो मैंने इसको खुरच ली है, खुरच के निकाल दिया। देखिए साफ अच्छे से हो गए हैं, धुल लिया है। और इधर ले लिए हैं 3 आलू, तो लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं। आप इसको गोल भी कट कर सकते हैं, परमल को लंबाई में भी कट कर सकते हैं, उस हिसाब से इसको कट करेंगे। इधर क्या करेंगे दोस्तों, हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल, सरसों का ऑयल है, आप सरसों का ही तेल लीजिएगा दोस्तों, सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और इधर हम परमल को कर लेंगे फ्राई। ये हमने परमल देखिए कट कर लिए हैं, तो फ्राई कर लेंगे। आप बिना फ्राई करके भी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से क्या होता है, सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हल्के हल्के लो फ्लेम में इसको फ्राई कर लेंगे और इसको ढक के फ्राई कर लेंगे। इधर हम सब्जी को बनाने के लिए ले लेंगे 2 टमाटर, 1 प्याज, 1 से 1.5 प्याज ले लेंगे, छोटा सा प्याज और है आधा। इधर 2 लहसुन की कलियां हैं, ये 4 हरी मिर्च है, 1 अदरक का टुकड़ा है। आप, मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को, सावन का महीना चल रहा है, तो बिना प्याज लहसुन भी कोई कोई लोग पसंद करते हैं, नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन की सब्जी पसंद करते हैं। तो आप जिस तरह से मैंने इसमें फ्राई किए हैं परवल, उसी में नमक मिर्च हल्दी डाल के, और आप इसको फ्राई करके इसकी भुजिया बना के इसको रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। बाकी मैं प्याज लहसुन के साथ बनाऊंगी, जैसा बताया आपको मैंने कि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो बस यहाँ कर लेते हैं प्याज कट। जितनी भी प्याज लहसुन जो भी कट करना है वो सब कट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मेरे परमल मैंने कर लिए हैं फ्राई, फ्राई करके निकाल लिए। इसी सेम कढ़ाई में हम लोग क्या करेंगे, तेल ले लेंगे। डालेंगे लहसुन, जीरा हम बाद में डालेंगे थोड़ी देर में, जब ये थोड़ा सा लाल हो जाए लहसुन, नहीं तो जीरा हमारा जल जाता है। ये देखिए सुनहरा हो गया है, गोल्डन ब्राउन हल्का हल्का हो गया है। जीरा डालेंगे, साथ साथ हम इसमें अदरक डाल देंगे, अदरक हमारी भून जाएगी। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैं हर सब्जी में, ज़्यादातर सब्जियों में दाल में हींग का प्रयोग करती हूँ, तो हींग मैं थोड़ी सी डालूंगी इसमें। डालेंगे प्याज, प्याज में हल्का सा कलर चेंज हो हम हरी मिर्च डाल देंगे, बहुत ज्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है प्याज को। डालेंगे इसमें हल्दी 1/2 चम्मच, थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च, हमने 4 डाली थी इसलिए लाल मिर्च बिल्कुल जरा सी डालेंगे। और डालेंगे थोड़ा सा नमक हल्का सा, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, सब्जी के अनुसार जितनी सब्जी है। डालेंगे थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला, मैंने मिक्स पीस लिया था दोस्तों, थोड़ा सा मिक्स करके डाल देंगे इसको। डालेंगे इसको, ये हल्का सा भुन जाए, तब इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे दोस्तों, टमाटर बाद में डालेंगे, क्योंकि हमने परवल भून लिए थे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आलू है ये भी हम इसे सारे डाल के भून लेंगे मसाले में, तेल में आलू थोड़ा सा कोट हो जाएंगे। इधर क्या करेंगे दोस्तों, हम आलू को ढक के थोड़ी सी इसको अच्छे
अच्छे से भुनने देंगे मसाले के साथ। बस देख लीजिएगा, हिलाते रहिएगा नहीं तो आलू जल जाए, क्योंकि अभी हमने पानी यानी नहीं डाला है। हल्का सा इसको थोड़ा सा मसाले के साथ भुनने देंगे 2-3 सेकंड के लिए, फिर खोल के देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें कितनी कसर रह गई है। देखिए अच्छे से हो गए हैं, आलू कच्चे थे इसलिए मसाले में हमने भुनने के लिए बोला, थोड़ा सा भुन जाते तो अच्छे बनते, टेस्टी बनते हैं। इसी में क्या करेंगे, ये परमल भी डाल देंगे, टमाटर हम लास्ट में डालेंगे, नहीं तो क्या होगा आलू हमारे खट्टे की वजह से पकेंगे नहीं जल्दी, टमाटर हम लास्ट में डालेंगे। इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर और इसको मेरी तरीके से बना के देखिएगा। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है खाने में, देखने में नहीं खाने में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। पूरी पराठे आप किसी से भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, चावल के साथ भी। तहरी बनाइए दोस्तों, तहरी के साथ आप इसको आलू परवल की सब्ज़ी को एंजॉय कीजिए, या जीरा राइस के साथ भी सभी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको ढक देंगे हम और 3 से 4 मिनट के लिए, फिर देखेंगे खोल के इसको। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए थोड़ी देर ढक के मैंने फ्राई कर लिया था इनको, ये फ्राई अच्छे से हो गए हैं। अभी टमाटर नहीं डाला है दोस्तों, देखिए आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बीच में ऐसे सब्जी को साइड में करके और बीच में यूँ करके टमाटर डाल देंगे और फिर सब्जी ऊपर से ढक देंगे। आलू इतनी जल्दी पक गए हैं दोस्तों, नहीं तो टमाटर डालने के बाद खट्टा थोड़ा होता है ना, तो टमाटर आलू थोड़ी लेट पकते हैं, आलू में समय लगता है पकने में। तो कभी भी सब्जी बनाएं, कोई भी सूखी या भुजिया वाली सब्जी या कोई भी ऐसी आलू की हो, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, टमाटर बाद में डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी अच्छे से हो गई है, थोड़ी लिक्विड वाली बनाएंगे, सुखाएंगे नहीं बिल्कुल। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, टमाटर का हमने छिलका उतार लिया था ना, छिलका जैसे उतार लेंगे तो सब्जी में अच्छे से मैश हो जाता है, मिल जाता है और स्वाद भी अच्छा आता है, फिर मुंह में छिलका आता है। ये देखिए अच्छे से पक गई हमारी सब्जी। आप लोगों को मेरी सब्जी, मेरी रेसिपी कैसी लगी आलू परवल की, मेरे तरीके से बनाइए। आप लोगों को मेरा तरीका कैसा लगता है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।